अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दे दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को नकारा गया है। एक बार फिर से आपको बता दे, देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात, अब कर्नाटक में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को एक बार फिर से नकारा गया है। देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दे दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को नकारा गया है। एक बार फिर से आपको बता दे, देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात, अब कर्नाटक में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को एक बार फिर से नकारा गया है। देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दे दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को नकारा गया है। एक बार फिर से आपको बता दे, देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात, अब कर्नाटक में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नहीं होगी अब एनडीए में शामिल। पार्टी चीफ सीएम इब्राहिम ने इस बात की जानकारी दी है। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की बात को एक बार फिर से नकारा गया है। देवेगौड़ा ने की थी गठबंधन की बात।